हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने घरों पे सेफ हैं और मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं देखने वाली हूँ अर्तुगरुल गाजी का जो थीम सॉन्ग है वो। इससे पहले मैंने लियो ट्विंस ब्रदर का जो म्यूजिक कवर था वो मैंने सुना था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो रियल सॉन्ग है, जो लिरिक्स के साथ है, मैंने वो नहीं देखा है। तो मैं आज वही देखूंगी और अपना रिएक्शन दूंगी। तो इसीलिए बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सिनेमैटिक कितना अच्छा है।
ऑल राइट दोस्तों, तो मैंने पूरा वीडियो देख लिया और नीचे सबटाइटल होने के वजह से मुझे अच्छे से समझ आया कि लिरिक्स में क्या लिखा है क्या नहीं है। सीरीज के बारे में बताती हूँ, सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी बनी है, मतलब देख के ही आपको पता चल रहा होगा उसका सिनेमैटिक जोन ही अलग है। मतलब ऐसी चीजें आप बॉलीवुड में अगर देखोगे तो ये सब फिल्मों में बनता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टर्किश सीरियल्स इतने अच्छे होते हैं, इतने लेवल पे अच्छे होते हैं सिनेमैटिक तौर पे कि वो मूवी जैसा आपको फील देते हैं। जितना भी देखा आपने, छोटा सा था, 4 मिनट का वीडियो था, लेकिन आपको देख के पता चलेगा कि मूवी जैसी है अगर आप उसको बड़े स्क्रीन पे देखते हो। मैंने तो यहाँ पे मोबाइल पे देखा, लेकिन अगर बड़े स्क्रीन में देखोगे तो वो जो घूम के गला काटते हैं तो वो वाला सीन तो सीरियसली बहुत ज्यादा डेंजरस लगेगा। अगर आप वो रियल में इतनी बड़े से स्क्रीन में, सिल्वर स्क्रीन अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप देखोगे तो मतलब अलग ही लेवल होगा उसका। तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजे का। दोस्तों मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि मुझे ओटोमन एम्पायर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि बुक्स में हमारे इनके बारे में, अर्तुगरुल गाजी के बारे में तो नहीं दिया हुआ था। ऑफकोर्स जो भी था तो उस्मान वन के बारे में ही दिया हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ था। तो बीच में मैंने देखा कि कैथलिक लोगों के साथ भी उनका कुछ पंगा हो रहा था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो गाना सुन के समझ के मुझे ऐसा लगा कि ये एक, जैसे हिंदी में बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, कि धर्म स्थापना के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब अपने जो रिलीजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। आप सुन के कि वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे अपने ट्राइब के लिए खासकर। तो एक चीज मैंने नोटिस किया, आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, इन सब चीज से एक चीज आपको सीखने को जरूर मिलती है कि आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, कितने छोटे लेवल पे क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका विल पावर है तो आप एक बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो महान सिकंदर थे वो भी एक छोटे ट्राइब से ही बिलोंग करते थे, और इतने बड़े साम्राज्य की, इतने बड़े एरिया को वो गवर्न करते थे, इतने देशों को उन्होंने जीता था। साथ ही साथ अगर आप चंगेज खां को भी देखें, जो कि इनके साथ पंगा था, अगर उनको भी देखें तो वो भी एक ट्राइब से ही थे, ऐसे कोई राजा के, बहुत बड़े राजा का बेटा या कुछ नहीं थे, एक छोटे से ट्राइब से ही बिलोंग करके वो उस लेवल तक पहुंचे। और यहाँ पे भी ये जो अर्तुगरुल गाजी है वो भी छोटे ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और ओटोमन एम्पायर हम सबको पता है कितनी बड़ी एम्पायर थी। तो मुझे इस चीज से आप लोगों को यही मोरल ऑफ द स्टोरी बतानी है कि भाई आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हो, अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो तो आप उस जगह पे जरूर पहुंच सकते हो जिसका आपने गोल, आपने विजन देखा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।